गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच, एस्ट्रोलॉजी से मैं एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर एके चौबे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आपसे एक चर्चा करने के लिए। देखिए चर्चा का विषय क्या है, नवंबर मास के लिए मैं हर राशि का राशि फल दे रहा था, तो अब मैं आखिरी राशि पे आ गया हूँ यानी मीन राशि। तो नवंबर मास के लिए मीन राशि का भविष्य पर कैसा दिखेगा, अब देखिए। पहले तो हम चर्चा करते हैं ग्रह गोचर पर, बड़े बड़े ग्रह कहाँ हैं। तो मीन राशि के लिए बृहस्पति तो लग्न में ही बैठे हुए हैं, मीन राशि में पहले भाव में लग्न में। और शनि कहाँ है, शनि ग्यारहवें भाव में बैठे हैं भाई। ग्यारहवा भाव कौन सा, लाभ भाव का। और राहु द्वितीय भाव में धन भाव में है। केतु जो है सप्तम राशि में अष्टम भाव में, जहाँ के सूर्य बुध शुक्र भी हैं केतु, तो तुला राशि में। और मंगल देखिए अभी क्या चतुर्थ भाव में है, मिथुन राशि में। ये तो रहा पूर्वार्ध में, माह के नवंबर के पूर्वार्ध में। और नवंबर के उत्तरार्ध में क्या होगा, 11 नवंबर को शुक्र जो है शिफ्ट कर जाएंगे कहाँ, अग्नि राशि यानी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में। 13 नवंबर को बुध भी शिफ्ट कर जाएंगे उसी में स्कॉर्पियो में। और 16 नवंबर को सूर्य शिफ्ट करके आ जाएंगे स्कॉर्पियो में। इससे पहले तुला राशि में थे, तुला राशि में जो है शुक्र थे, तुला राशि उनकी उच्च की है और सूर्य के लिए नीच की राशि है, लेकिन शुक्र उच्च के बैठे हुए तो सूर्य का नीच भंग हो रहा था। और सूर्य बुध बुध आदि राजू बना रहे थे कहाँ, सप्तम में अष्टम भाव में। लेकिन अब जब स्कॉर्पियो में चले गए नवे भाव में, तो वहाँ भी बनाएंगे बुध आदित्य राजयोग और अच्छा जाएगा। और देखिए मंगल जैसे मैं बताया पहले पूर्वार्ध में यानी 13 नवंबर को शिफ्ट कर जाएंगे वृषभ राशि में, बकरी पीछे को रहते हैं बकरी होकर के। तो वैसे मंगल कहाँ है, वैसे मंगल चतुर्थ भाव में थे। मंगल जो है 30 अक्टूबर को बकरी होंगे और पीछे उल्टी चलेंगे, तो 13 नवंबर को वो आ जाएंगे कहाँ पर, वृषभ राशि तीसरे भाव में। तो ये तो रहा ग्रह गोचर। अब हम कैरियर के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। देखिए कैरियर में कहाँ है, दशम भाव में बृहस्पति की राशि है, धनु राशि बैठी है। और बृहस्पति कहाँ है, लग्न में उच्च के हो गए बृहस्पति मीन राशि में। तो बृहस्पति उच्च के हैं तो धनु राशि भी उच्च का फल देगी, तो कैरियर में कर्म स्थान में अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी उच्च की, व्यापार भी उच्च का, तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, लाभ मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो अच्छा रहेगा। नौकरी में काफी परिश्रम करेंगे तो लाभ मिलेगा। और देखिए शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं, शनिदेव देखिए दशम राशि जो है ग्यारहवें भाव में, तो शनिदेव लाभ दे रहे हैं। और तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देख रहे हैं बारहवें भाव में यानी लग्न में बारहवीं राशि में, तो शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि बृहस्पति को बल दे रहे हैं। और लाभ भाव में शनि बैठकर तो लाभ तो देंगे देंगे भाई, लाभ देंगे, कैसा लाभ देंगे, हर क्षेत्र से, बड़े भाई बहनों से, नौकरी में, व्यापार में, सब में लाभ लाभ मिलना है। और जब उत्तरार्ध में सूर्य बुध शुक्र आ गए कहाँ, नवम भाव में भाग्य भाव में, तो भाग्य वर्धन हो गया भाई, भाग्य बढ़ा। और यहाँ से नवम भाव से दृष्टि जाएगी तीसरे में, तीसरे में भाव में जहाँ मंगल भी आ जाएंगे, तो मंगल भी देखेंगे इनको और ये मंगल को देखेंगे। तो जातक को परिश्रम तो बहुत करना पड़ेगा, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। और छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, जो जो यात्राएं करोगे उनसे भी लाभ मिलेगा, बहुत लाभ, जितना परिश्रम करोगे उतना लाभ मिलेगा और यात्राओं से लाभ मिलेगा। और शनि बैठे ग्यारहवें भाव में, तो बड़े भाई बहनों से भी लाभ मिलेगा, हर क्षेत्र से, विभिन्न क्षेत्रों से पैसा आएगा, लाभ मिलेगा। मंगल जैसे मैंने बताया चतुर्थ भाव में पूर्वार्ध में, और दृष्टि पड़ रही है दसवें भाव में जहाँ बृहस्पति की राशि है, तो मंगल बैठ करके यानी 13 नवंबर तक मंगल जो है चतुर्थ भाव में सुख सुविधाएं देंगे, सारे सुख साधनों को देंगे, बंगला गाड़ी देंगे और दृष्टि डालेंगे कर्म क्षेत्र में, तो कर्म क्षेत्र में भी, व्यापार में भी लाभ देंगे, नौकरी में भी लाभ देंगे। और जब मंगल आ गए तृतीय भाव में, तो मंगल तृतीय भाव में तो परिश्रम कराएंगे लेकिन लाभ तो देने देना है, छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलना है और यात्राओं से लाभ मिलना है। राहु धन भाव में ऊंची सोच, बड़ी सोच बढ़ाएंगे आपकी। और धन भाव में देखिए राहु है तो अष्टम भाव से सूर्य बुध केतु शुक्र सबकी दृष्टि पड़ रही है राहु की, और राहु की दृष्टि पड़ रही है अष्टम में, तो अष्टम से देखिए
चोर चपेट से रक्षा होगी आपकी, शत्रुओं से रक्षा होगी, गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, सट्टा जुआ लॉटरी वगैरह शेयर से लाभ हो सकता है। राहु आपको माइंड बड़ा सोच बड़ा ऊंचा ऊंचे प्लानिंग बनाएंगे, आप धन कमाने के बड़े साधन, और अगर आप ईमानदारी से मेहनत से काम करेंगे तो शनि की कृपा मिलेगी, क्यों शनि ग्यारह में भाव में, और जरा भी आपने बेईमानी की धोखाधड़ी की तो फिर शनि का कोप मिलेगा। इसलिए शनि का कृपा पाने के लिए ईमानदार रहिए, मेहनत से काम कीजिए, न्यायप्रिय न्याय संगत काम कीजिए, गरीबों को सताइए मत, तो शनि का लाभ मिलेगा और आपको बहुत बहुत तरक्की मिलेगी। देखिए महीने के पूर्वार्ध में अच्छा है और महीने के उत्तरार्ध में अच्छा है। देखिए महीने के जैसे पूर्वार्ध में मैंने बताया ग्रहों की स्थिति के अनुसार सूर्य बुध शुक्र के अष्टम में और मंगल का चतुर्थ भाव में बैठकर सप्तम को देखना स्वास्थ्य की समस्याएं तो ला सकता है थोड़ी सी। तो अष्टम में स्थिति है तो रक्त ब्लड की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लू में थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, यानी आप प्राणायाम करें, खून ज़्यादा फ्लो हो उसके लिए ऑक्सीजन ज़्यादा इनहेल करें, यानी प्राणायाम करें, ज़्यादा ऑक्सीजन लें छोड़ें तो खून साफ होगा, खून का फ्लो तेज होगा। तो आपके जरूरी है प्राणायाम करना, वस्त्र का कपालभाति और ओम, जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं बाह्य प्राणायाम करना, प्रणव साधना करना, ओम की साधना, तो उस सबसे वाइब्रेशन जो होते हैं उससे आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स गिर करके और ऑक्सीजन के फ्लो में जल जाते हैं वो, और सांस से साथ बाहर निकल जाते हैं। तो बहुत कुछ आपका स्वास्थ्य में लाभ मिलता है आपके प्राणायाम से और ध्यान से, आपका मन एकाग्र रहेगा तो ध्यान से भी लाभ मिलेगा। तो भाई देखिए पंचम भाव पर बताता हूँ, शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आपके प्रेम संबंधों को स्थिर बनाएगी, वैसे आपको प्रेमी से अच्छे संबंध रहेंगे और आप जो है एक दूसरे से अच्छा व्यवहार रहेगा, अच्छे संबंध रहेगा, कोई मनमुटाव नहीं होगा, कोई बहम नहीं होगा आपस में, और मिलकर के नई योजना बनाएंगे। देखिए लग्न में बैठकर के बृहस्पति सप्तम भाव पर तिथि डालना है तो जो आपके वैवाहिक जीवन है वो भी अच्छा रहेगा, पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध रहेगा, प्रेम संबंध अच्छा रहेगा, आपके व्यापार के सहयोगी पार्टनर्स भी आपको सहयोग हो जाएंगे, व्यापार में लाभ मिलेगा, डेली वेज को लाभ मिलेगा, और इस तरह से और संतान के लिए भी महीना अनुकूल बैठेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है लग्न में बैठकर बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहे हैं, वैवाहिक जीवन को लाभ दे रहे हैं, और आपके बीच में चाहे जितनी भी समस्या आए हैं हम बृहस्पति इसमें आपको निपटारा कर देंगे, संतान के लिए भी महीना अच्छा है। दूसरे भाव में राहु की महाराज की स्थिति और अष्टम में चार चार ग्रह महीने के पूर्व भाव में बैठ करके आपको थोड़ी समस्या ला सकते हैं, आप विचार आपके बड़े ऊँचे ऊँचे हो जाएंगे और जो विचार आपके आएंगे वो पूरे नहीं होंगे तो आपको फिर थोड़ा सा मानसिक संताप मिलेगा। इसलिए प्लानिंग ज़्यादा फेक चीज़ों की मत कीजिए, जो धन आ रहा है उसको ठीक से लगाइए और कोई बड़ी बड़ी प्लानिंग मत बनाइए, क्यों राहु जो है माइंड को डिस्टर्ब करके बड़ी ऊंची प्लानिंग देते हैं। तो इसलिए आप और परिवार से तालमेल बिठा के बात रखिए, परिवार में कहीं ऐसा ना हो कोई आपका बात व्यवहार बहस पाए, उसके लिए थोड़ा सा आपका माइंड को ठीक रखना होगा और स्थिति में सुधार होगा अगर आप अपने माइंड का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से अपने सहयोगियों से, अपने संबंधियों से, अपने परिवार के सीनियर्स लोगों से अच्छा संबंध रखेंगे तो सुख चैन बीतेगा। इसके लिए उपाय के लिए बता दूंगा, फिर भी मैं बृहस्पति का उपाय करना चाहिए आपको, पीला टीका लगाइए, पीला रुमाल जेब में रखिए, पीला मतलब केसर का टीका लगाइए, हल्दी का टीका लगाइए, और देखिए ओम शुक्र के लिए भी आप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप भी करिए, महालक्ष्मी नमः, या देवी सर्वतिषु महालक्ष्मी नमः, नमस्ते नमः, नमस्ते 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 नमः नमः, महालक्ष्मी का शुक्रवार का महालक्ष्मी का भी जप करिए और बृहस्पति का भी। तो बृहस्पति और शुक्र दोनों आप ठीक रहेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। मित्रों तो मैं यहाँ विराम दूंगा, आगे आऊँगा तो फिर कुछ और चर्चा करूँगा मित्रों, लेकिन मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करें।